हेलो फ्रेंड, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं किड्स स्पेशल ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। ये बनाकर बच्चों को आप खिलाइए, मम्मी भी खुश और बच्चे भी खुश, ऐसी रेसिपी है और बहुत हेल्दी है। देखिए मैंने क्या किया, मल्टीग्रेन आटा ली हूँ और इसमें 2 चम्मच लगभग मैं इसमें दही डाल दी थी। और यहाँ पर देखिए रफली मैं इसमें प्याज, शिमला मिर्च, तो हरी मिर्च, टमाटर ये सब काटी हुई हूँ, ये सब डालूंगी। आप क्या है ना, इसके साथ साथ आप सब्जियाँ जो होती हैं ना उसको बिल्कुल बारीक कद्दूकस करके डाल सकती हैं, जिससे सब्जी बिल्कुल भी पता ना चले। और ऊपर से प्याज ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना थोड़ी सी बड़ी मोटी काटें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें प्याज वगैरह मैं सब बड़ी बड़ी ही काटी हुई हूँ। और सब्जी के आप इसमें डालिए, बच्चों के लिए अगर बना रही हैं तो इसमें नमक और मिर्च पाउडर बच्चे के हिसाब से देख लीजिएगा, और हरी मिर्च भी अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो इसे हटा दीजिएगा। और इसमें क्या है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा लिक्विड तैयार कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए मल्टीग्रेन आटा जो होता है ना पानी बहुत पीती है। देखिए मैं इसको बहुत गाढ़ा घोल तैयार कर ली हूँ इस तरह से। और इसमें क्या, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं खाने वाला जो सोडा होता है वो डालूँगी। देखिए बहुत कम मात्रा में ही डालूँगी, इसी में काम हो जाएगा। देखिए बस इतना सा, इससे ज़्यादा मैं नहीं यूज करूँगी। और इससे क्या है ना बहुत अच्छा बनेगा ब्रेकफास्ट जो बनाऊँगी बच्चों को, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इस तरह से आप इसको बनाएंगी। तो देखिए इसको अच्छे से मैं मिला दी हूँ इस तरह से। अब यहाँ क्या है ना, इस पेन में आप घी, तेल, बटर जो आपके यहाँ पसंद ज़्यादा किया जाता है वो डालिए। और इसके ऊपर क्या, देखिए ये जो गाढ़ा सा घोल बनाई हूँ ना मल्टीग्रेन और टमाटर प्याज ये सब डालकर इसको इस तरह से डाल दी। इससे दो बन जाएगा बेस मेरा, ये थोड़ा सा इसमें डाल दी और इसको थोड़ा स्प्रेड कर दूँगी। और ये क्या ना थोड़ा मोटा ही रखूँगी, जैसे पिज्ज़ा वगैरह मोटा होता है ना उसी तरह से इसको रखूँगी। देखिए इस तरह से, और इसमें लीड लगाकर इसको ढक कर बहुत अच्छे से पकाना है, जैसे मैं पका रही हूँ इस तरह से। और जब ये पक जाए, ऊपर सूखने लगे तो इसको आप पलट दीजिएगा। नॉन स्टिक पैन वगैरह में दिक्कत नहीं होती, चिपकता भी नहीं है, बहुत अच्छे से निकल जाती है। और यहाँ पर मैं रेड चिली सॉस ले रही हूँ, अगर बच्चे के लिए बना रही हैं तो आप यहाँ क्या है ना टमाटो केचप का यूज़ कीजिएगा, रेड चिली सॉस ना के बराबर डालिएगा। मैं यहाँ देखे रेड चिली सॉस और टमाटो केचप दोनों ही डाली हूँ, दोनों को मिक्स करके अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। देखिए इस तरह से स्पून की सहायता से इसको अच्छे से मैं मिला ली हूँ और इसी से बहुत अच्छे से इस बेस को मैं स्प्रेड कर दूंगी जो अभी पलटी ना। अब इसको क्या है ना थोड़ा फटाफट करना है, बच्चों को चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको इस तरह से डाल दी। आपके पास डाइस चीज़ हो या मोजरेला चीज़ हो तो उसे कद्दूकस करके इस तरह से डाल सकती हैं। और जो अभी मैं टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती जो काट के रखी थी ना उसमें से बस 2 चम्मच इस तरह से बचा ली थी, इसको इस तरह से ऊपर से डाल दीजिएगा। तो क्या ना बच्चे इसको पिज्ज़ा समझ के बहुत अच्छे से खा लेंगे। अंदर तो बहुत सारा सब्जी वगैरह डालिएगा, बहुत मस्त रहेगा। प्याज वगैरह सब ऊपर से बड़ा बड़ा काट के इसमें मिक्स किए हुए ही थे। अब इसमें देखिए रेड चिली सॉस, ऑरिगेनो ये सब आप इसके ऊपर डालिए, और तीखा अपने बच्चे के हिसाब से रखिएगा। और इसको क्या है ना लीड लगाकर इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जब क्या चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और सब्जी भी बढ़िया से थोड़ी थोड़ी पक जाए ना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है और बच्चे खास करके इसको बहुत पसंद करते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको मेरे किड्स स्पेशल ये मेरे ब्रेकफास्ट की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।